अडानी विवाद पर सरकार ने पहला बयान दिया है। अडानी विवाद से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हमारी प्राथमिकता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए हंगामा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बताया, जिस तरीके से विपक्ष लगातार कल से ही हमलावर है, सदन के अंदर विपक्ष हंगामा करता है जिसकी वजह से कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ता है, उसको लेकर के सरकार की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। अडानी विवाद से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में जो हमारी प्राथमिकता है वो ये कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जाए, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो हंगामा कर रहे हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है, चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। बट एनी रीच आउटरीच टू द ऑपोजिशन सर, सारी रीचिंग आउट टू ऑपोजिशन नहीं है। और हमारे साथ कुंदन सिंह हमारे जो सहयोगी हैं वो दिल्ली से सीधे जुड़ गए हैं। कुंदन, अडानी मामले को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। आज भी हमने देखा कि दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जाती रही, लेकिन सरकार की तरफ से भी तो ये बात कह दी गई है ना कि आप पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तो पहले बात हो, आप इस तरीके से रवैया नहीं अख्तियार कर सकते जिससे कि सदन में कार्यवाही सुचारू रूप से चल ही नहीं पाए। बिकॉज दूसरा दिन था जब सदन की कार्यवाही लगातार स्थगित कर दी गई, और दोनों सदनों में मैं आपको बताऊं कि लोकसभा में और राज्यसभा में जैसे ही सुबह 11 बजे के करीब में हाउस स्टार्ट हुआ, लगातार अपोजिशन के जो नेता थे वो शाउटिंग करके नारे लगाते और सरकार के विरोध में बिल तक आ गए, और उसके बाद सदन को स्थगित कर देना पड़ा। लोकसभा में स्पीकर ने यहां तक कहा कि देश की पहली महिला जो वो राष्ट्रपति है उनका अभिभाषण है, कम से कम उनका जनजाति महिला है उनका सम्मान करते हुए उनका अभिभाषण पर चर्चा शुरू किया जाना चाहिए, जहां तक बाकी विषयों का सवाल है सरकार सुनने को तैयार है। लेकिन इसके बाद पार्लियामेंट अफेयर्स मिस्टर प्रहलाद जोशी से हमने बातचीत की, उन्होंने बहुत साफ कहा कि हम लगातार उनसे कह रहे हैं कि जो भी आपके कंसर्न है, जो भी आपके इश्यूज है, हम डिस्कस करने को तैयार हैं, आप पहले फ्लोर पे आइए। जो परंपरा रही है कि बजट के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा होती है उसकी शुरुआत कीजिए, इसके बाद जो भी आपको लगता है आपके जो भी मुद्दे हैं उस पर कंसेंसस बनने के बाद, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होने के बाद, समय मुकर्रर होने के बाद सरकार चर्चा से करने को तैयार है। जहां तक अडानी मामले का सवाल है उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं, अथॉरिटी है जो भी रेगुलेटरी बॉडी है वो अपना काम करेगी अगर कुछ इस तरह की आरोप प्रत्यारोप की बात है। लेकिन अपोजिशन लगातार उसको लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसपे सरकार को घेरा जा सकता है, और आज दूसरा दिन है लगातार डेडलॉक है। जी कुंदन, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि पूरी रणनीति बना करके तमाम विपक्षी दल इस मामले को लेकर एकजुट हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सरकार को घेरने की रणनीति रोजाना जब कार्यवाही सदन की शुरू होने वाली होती है उससे पहले ही एक बैठक बना करके बना ली जाती है। कुंदन, तो कुंदन को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि अब सरकार की तरफ से जो पहला बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि सरकार का इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसीलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है, सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दे रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हमारी प्राथमिकता है, और ऐसे में चर्चा से भागना, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना विपक्ष का रवैया दिखाता है कि विपक्ष कैसे सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश में लगा हुआ है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अडानी विवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा है, आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। चर्चा प्रायोरिटी रहता है, चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। बट एनी रीच आउटरीच टू द ऑपोजिशन सर, हमारा काम सारी रीचिंग आउट टू ऑपोजिशन नहीं है। सर, क्या आप लोग को ऑपोजिशन से बातचीत हुई है? नहीं, आवाज तो कर ही रहा है, छोटा छोटा आना तो चर्चा करने को तैयार है। और हमने देखा था जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी बार बार विपक्षी सांसदों को ये कह रहे थे कि आप नोटिस दीजिए, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन कम से कम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तो पहले चर्चा होने दीजिए, लेकिन विपक्ष नहीं माना और लगातार हंगामा होता रहा, जिसके बाद कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था।